प्रोटेक्शन के लिए क्या आप कोई मंत्र कर सकते हैं? क्यों नहीं, जरूर कर सकते हैं। आपको बताऊंगी वो मंत्र, पर इससे पहले बच्चों को हेल्दी और फिट बनाते हैं। बच्चों में अगर मैल न्यूट्रिशन हो जाए तो बॉडी को सही एनर्जी नहीं मिलती, इसके कारण बीमारियां भी हो जाती हैं, खतरा बना रहता है। आज इसके बारे में जानेंगे और अपने बच्चों की डाइट पर ध्यान देंगे। अगर बच्चे को अनीमिया है, खून की कमी है, तो बच्चे की ग्रोथ के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। आयरन की कमी के कारण अनीमिया होने लगता है, तो इसके लिए बच्चे को भूख नहीं लगती, स्किन पीली पड़ जाती है, डल पड़ जाती है, कमज़ोर बॉडी लगती है, हाथों पैर ठंडे रहते हैं। ऐसे में बच्चों को आयरन की कमी से बचाने के लिए आप उन्हें होल ग्रेन्स दें, हरी सब्जियां दें, दिन में 2 बार दूध दें। कई बार बच्चों के गले में थायराइड ग्लैंड में सूजन होने के कारण गोइटर हो सकता है, ये बॉडी में आयोडीन की कमी से हो सकता है, जो बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए इफ़ेक्ट करता है। इसके लिए आप बच्चों में आयोडीन की कमी ना होने दें, बच्चों को आयोडीन युक्त नमक दें, बेक्ड आलू, दूध, आयोडाइज सॉल्ट, बीन्स, आई, दही, केला, ये सारी चीज़ें बच्चों को खिलाएं। अगर बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो बच्चों की आंखें कमज़ोर होंगी, भूख नहीं लगेगी, बाल झड़ेंगे, ये बड़ों में भी है। विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। विटामिन डी की डाइट ऐड करें, इसके अलावा धूप, अर्ली मॉर्निंग की धूप बच्चों को दें। विटामिन डी के लिए बच्चों को शिमला मिर्च खिलाएं, चीज़, दूध और धूप, याद रखिएगा धूप, ये बहुत ज़रूरी है। आज मेरे खजाने में कौन सी खास ब्यूटी टिप आपके लिए निकलेगी, ये तो सरप्राइज है। पर इससे पहले आप प्रोटेक्टेड रह सकें, आपको नज़र ना लगे, इसके लिए एक मंत्र जानिए। मंत्र लिखिए प्रोटेक्शन का, ये कर ना पाएं तो फोल्ड कर अपने हर पर्स में, अपनी पॉकेट में डाल दें। जब भी किसी फंक्शन पे, इवेंट पे जाना हो, ज़रूर करें, नज़र नहीं लगेगी। मंत्र है ओम ह्रीम दंडीन हीन महा दंडीना नमस्ते ठह ठह। इस मंत्र का आपको जाप करना है या नहीं तो लिखकर रख दीजिए, देखिए ये मंत्र आपका कैसे प्रोटेक्शन देता है। नहीं तो एक माला का जाप करिए और कमाल देखिए। घर में माँ लक्ष्मी के सामने 9 बातियों वाला अगर आप दिया जलाते हैं तो इससे आपके फाइनेंशियल गेन स्ट्रॉन्ग होते हैं। और तांबे का एक सिक्का रेड कलर के कपड़े में अगर आप बांध देते हैं, इसको घर में साउथ ईस्ट में छुपका देते हैं, घर के मेन दरवाजे पर लटका देते हैं, इससे भी आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। और अगर एक दिए में सरसों का तेल डालते हैं, उसमें एक लौंग डालते हैं, हनुमान जी की आरती करते हैं, और इसके अलावा आप वेंसडे को 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल रखें, दूसरे बर्तन में 1.25 किलो डली वाला नमक रखें, फिर इन दोनों बर्तनों को घर में कहीं ऐसी जगह छुपा दें जहाँ कोई देख ना सके। कुछ ही दिनों में आपके यहाँ फाइनेंशियल गेन्स होंगे।